आपकी रिक्वेस्ट से मैंने केमिस्ट एट प्ले को एक चांस दिया और इसके तीनों अवेलेबल सीरम परचेस किए। और सबसे पहले उनमें से मैंने 10% एज़ालाइक एसिड एंड 10% नासेनामाइड सीरम यूज़ करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली एक्ने प्रॉन है और एज़ालाइक एसिड एक्ने को कंट्रोल करता है, ब्रेकआउट्स को कंट्रोल करता है। और इससे पहले मैंने डीकंस्ट्रक्ट का एज़ालाइक एसिड सीरम यूज़ किया था जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। इस सीरम की कंसिस्टेंसी जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ी सी थिक है, जेल काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी में ये आपको मिलता है, लेकिन फेस पे लगाने के बाद ये लाइट वेट है। इस सीरम को पिछले 15 दिन से मैं सिर्फ और सिर्फ अपने हाफ फेस पे यूज़ कर रही हूँ और ये करीब एक हफ्ते बाद की क्लिप है।